इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में दिया है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी हमें फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशंस का पेयर दिया गया है उसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, और सोल्व करने का मतलब होगा वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना। वेरिएबल्स जैसा कि यहां पर दिए गए हैं एक्स वाई। सो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशंस का पेयर दिया गया है, इसमें ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट और नीचे वाली सेकंड। इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे और सोल्व करेंगे तो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको डिटेल में समझना है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। सो फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन लेते हैं, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन यहां पर लिख लेते हैं, ये है x प्लस में y इक्वल्स टू में 14। इसमें से किसी भी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो x की वैल्यू कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को भेजेंगे दूसरी तरफ, तो x की वैल्यू हमारी आएगी x इक्वल्स टू में 14 एज इट इज, और प्लस y दूसरी तरफ जाके इस तरफ भेजेंगे प्लस y को, तो ये हो जाएगा माइनस y। अब जो भी हमारी ये x की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। सो यहां पर मैं लिखता हूं Putting the value of x in second, जो भी x की वैल्यू है इसको सेकंड में पुट करना है। सेकंड को यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, सेकंड इक्वेशन है x माइनस y इक्वल्स टू में 4। इस x की जगह पर हम पुट करेंगे ये वाली x की वैल्यू जो है 14 माइनस वाई। सो x की जगह पर मैं लिखता हूँ 14 माइनस वाई। x की जगह पर ये लिखने के बाद x की जगह पर ये आ गया, उसके बाद माइनस वाई एज इट इज माइनस वाई इक्वल्स टू में 4, ये ऐसा कैसा आ जाएगा। अब माइनस वाई दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, तो माइनस वाई हो जाएगा माइनस टू वाई। यहां पर लिख लेता हूं माइनस टू वाई। इसके बाद जो 14 है इसको भेजेंगे हम इस साइड में, अगर ये इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। सबसे पहले इक्वल्स टू में 4 लिखते हैं, सो इक्वल्स टू में 4 और 14 इस साइड में आगे हो जाएगा माइनस का 14। अब माइनस टू वाई एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में 4 में से 14 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10। अब माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे। यहां पर हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो ये 2y के साथ मल्टीप्लाई में है इसको भेजेंगे दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ ये जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आएगा इस तरफ में y इक्वल्स टू में 10 एज इट इज, और 2y के साथ जो मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा डिवाइड में। यहां पर 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा 5 जा पर, y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब y वेरिएबल की तो वैल्यू आ गई, x की कैसे फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करना बिल्कुल सिंपल है, जो भी हमारी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू पुट कर दो तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14। यहां पर मैं लिख देता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14। इसमें y की जगह पर जो भी यहां पर y है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 5 जो कि आ चुकी है, सो x यहां पर एज इट इज आ जाएगा, y की जगह पर आ जाएगा 5 इक्वल्स टू में 14 भी एज इट इज। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 को भेजेंगे दूसरी तरफ, तो इस तरफ बचेगा सिर्फ x और दूसरी तरफ पहले से जो 14 है वो लिखेंगे, और उसके बाद यहां से प्लस का 5 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 5। x की वैल्यू आ जाएगी 14 में से 5 को माइनस करने पर 9। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 9। इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट्स हैं, इसमें से हमने फर्स्ट को कर लिया, बाकी बचे हुए पार्ट्स की अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।